विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हम टेंसों के क्रम में चल रहे थे। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का इंडेफिनिट और निगेटिव सेंटेंस कल मैंने आपको बताया था। इसमें इसको ट्विन टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो उपवाक्यों को जोड़ के एक वाक्य की रचना की जाती है और दो उपवाक्य मिलके एक वाक्य बनाना वो थोड़ा समझने में कठिन है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप उसको भी समझें और अच्छी तरह से क्लियर करें। तो पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी आपको हिंदी में पहचान बताई थी, जैसे हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, गया था, गई थी, गए थे, आदि आता हो, वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। इसका सिंपल सेंटेंस आपको बता दिया था, इसका नेगेटिव सेंटेंस बता दिया था। आज हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना। ये दोनों प्रकार के सेंटेंस हो गए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तब उसे किस टाइप से बनाते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब वाक्य की रचना किस प्रकार से करते हैं, मैंने आपको दोनों नियम लिखवा दिए। जैसे जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो तो क्या तुम गाना गा चुके थे, लास्ट में प्रश्नवाचक। देखो बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हुआ वाक्य, इस नियम को आपको लागू करना, क्या होगा है, उसके बाद क्या लिखना, सब्जेक्ट क्या है तुम, उनकी अंग्रेजी यू, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गाना की अंग्रेजी सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, उसके बाद ऑब्जेक्ट गाना सॉन्ग, लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। इस प्रकार से वाक्य की रचना होगी जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, और जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तब आपको दूसरे नियम के अनुसार वाक्य की रचना करनी। जैसे बच्चे बगीचे में क्यों घुसे थे, बच्चे बगीचे में क्यों घुसे थे। देखो बच्चों, इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है, इसलिए दूसरे नियम को लागू करके इस वाक्य की रचना करनी। यहाँ भी प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्यों, तो हमको सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लिखनी, WH वर्ड की अंग्रेजी हो गई, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब एक ही होती है, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, उसके बाद आपको सब्जेक्ट बच्चे हैं तो
द चिल्ड्रन, उसके बाद वायु की थर्ड फॉर्म, घुसना की अंग्रेजी इंटर होती है, इसकी थर्ड फॉर्म इंटर्ड हो गया। उसके बाद कहाँ ऑब्जेक्ट क्या है बगीचे में, इन द गार्डन। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से इस वाक्य की रचना हो गई। उसके बाद इसी क्रम में इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। देखना बच्चों, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच शुरू में हो, तब सबसे पहले आपको हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले आपको WH वर्ड की अंग्रेजी, WH वर्ड की अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्नवाचक। इस प्रकार से इन दोनों वाक्यों की रचना होगी। जैसे देखना बच्चों, क्या अध्यापक कक्षा में, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाए थे, क्या अध्यापक कक्षा में नहीं पढ़ाए थे। बच्चों, प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द दोनों हैं, आप रचना किसकी कर रहे हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव शब्द भी दिया और नेगेटिव शब्द भी दिया, इसलिए ये दोनों इस वाक्य में दोनों प्रकार के शब्द हैं। इसलिए प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरुआत हो रही इस वाक्य की, इसलिए पहला नियम इसमें लागू करेंगे, हेड से वाक्य की शुरुआत कर देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना, सब्जेक्ट अध्यापक, द टीचर, हेड द टीचर, उसके बाद आपको किसका प्रयोग करना, नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है कक्षा में, तो क्या होगा, इन द क्लास। ये आपका वाक्य है। इस प्रकार से जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में हो, तो इस प्रकार से वाक्य की रचना की जाएगी। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब आपको दूसरे नियम के अनुसार वाक्य की रचना करनी। जैसे सीमा ने छत पर पतंग क्यों नहीं उड़ाई थी, क्यों नहीं उड़ाई थी। देखना बच्चों, अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है,
इसमें नकारात्मक शब्द भी है, दोनों प्रकार के शब्द हैं। आपका किस प्रकार का वाक्य है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसलिए आप दूसरा नियम इस वाक्य में लागू करेंगे। सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच वर्ड की अंग्रेजी लिखनी। डब्ल्यू एच वर्ड इसमें क्या है, क्यों? तो सबसे पहले आपको क्यों की अंग्रेजी लिखनी, वाक्य लिख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सीमा, लिख दिया। उसके बाद किसका प्रयोग करना, नॉट का, तो यहाँ नॉट। उसके बाद क्या है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, उड़ाना, उड़ाना की अंग्रेजी फ्लाई, फ्लाई की थर्ड फॉर्म आपको लिखनी, फ्लॉन। उसके बाद बचा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, छत पर, ऑन द रूफ। लास्ट में प्रश्नवाचक। तो इस प्रकार से बच्चों ये पास्ट परफेक्ट टेंस के आपके चारों प्रकार के सेंटेंस, उनकी रचना के नियम मैंने आपको लिखवा दिए। इन नियमों के आधार पे आप वाक्य की रचना करेंगे। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस पूरा हो गया। इसको हमने आपको बताया था कि इसमें दो वाक्यों को जोड़ के एक वाक्य की रचना की जाती है। उसको बच्चों देखना, वो वाक्य किस प्रकार से बनता है। जैसे वाक्य दिया, थोड़ा समझने की कोशिश करना और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको अजीब सा लगेगा कि ये किस प्रकार के सेंटेंस हैं, इनको किस प्रकार से बनाएंगे। इसमें थोड़ा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए ध्यान से समझना, मन को एकाग्र करके समझना, रुचि के साथ समझना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखना, मैं वाक्य लिख रहा हूँ और आप उसको देखना किस प्रकार से वाक्य की रचना करते हैं। देखना, वाक्य ये दिया, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। ये वाक्य है। आप पहली बात तो ये कि इस लंबे चौड़े वाक्य को देख के आप पहले डर गए होंगे। डरना नहीं बच्चों, ये तो बहुत आसानी से वाक्य की रचना होगी। अब इस वाक्य को पहले आप पढ़िए, पूरी तरह से एकाग्रता के साथ पढ़ो। मैं बताऊंगा फिर इसमें से करना क्या है, इसको किस प्रकार से तोड़ना है, वाक्य को कैसे इसको पास्ट में बनाते हैं। इसमें दो प्रकार के टेंसों का प्रयोग किया जाता है। पहला तो आप जो पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे हो उसी पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। उसके बाद में इसमें पास्ट इंडेफिनिट का भी प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस वाक्य में करेंगे, इसमें दो प्रकार के उपवाक्य हैं, दो काम, दो क्रियाएं हो रही हैं, आना भी हो रहा है और पहुंचना भी हो रहा है। दो प्रकार की क्रियाएं इसमें हो रही हैं, इसलिए आपका मन असमंजस में होगा कि किस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य को अच्छी तरह से पढ़ना और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको हमें ये बताना है कि इस वाक्य में पहले काम कौन सा पूरा हुआ। वाक्य को ध्यान से पढ़ना, तुम्हारे आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, इसमें पहले काम कौन सा पूरा हुआ। आप आने से पहले, आप आ नहीं पाए, समझ में आ रही है, आप आ नहीं पाए, मैं घर पहुंच गया, तो काम पहले कौन सा पूरा हुआ इसमें, मैं घर पहुंच चुका था।
भाई आप आ नहीं पाए, मेरा घर में पहुंचना हो गया, नहीं समझ में आएगा। देखो भाई, तुम्हारे आने से पहले मैं घर पहुंच चुका था, तुम आ नहीं पाए, मेरा घर पहुंचना हो गया। काम पूर्ण कौन सा हुआ पहले? मेरा पहुंचना हो गया आपके आने से पहले, इसलिए काम पूरा कौन सा हुआ पहले? पहुंचने का। इसलिए वाक्य पास्ट परफेक्ट में, वाक्य में जो काम पहले पूरा हो गया हो उस वाक्य को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो काम बाद में हुआ उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो पहले काम पूरा हुआ कि मैं घर पहुंच चुका था, ये सिंपल सेंटेंस है बच्चों। जैसे आपको मैंने पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस बताया कि सिंपल सेंटेंस की रचना किस प्रकार से होती है, उस सिंपल सेंटेंस के नियम के अनुसार इस वाक्य की रचना आपको करनी है। मैं घर पहुंच चुका था, तो क्या हो जाएगा बच्चों? सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? मैं की अंग्रेजी लिख दी। सिंपल सेंटेंस की रचना करने का नियम क्या है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख दी, सब्जेक्ट की अंग्रेजी हमने लिख दी। उसके बाद में टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना आपको है। उसके बाद बच्चों क्या है नियम में? वर्ब की थर्ड पार्ट, वर्ब क्या है इसमें? पहुंचना। पहुंचने की अंग्रेजी रीच होती है। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी रीच, कहां? घर, रीच हो। आप देखो बच्चों, यहां तक आपके पास परफेक्ट की रचना हो गई। उसके बाद जो वाक्य में पहले दिया हो, यहाँ पे पहले दिया, इस प्रकार के वाक्यों में बाद का भी प्रयोग होता है। तो पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस का नियम लागू करके आपने पास्ट परफेक्ट के वाक्य को पूरा बना लिया। उसके बाद में यहाँ पर पहले है, इसलिए पहले की अंग्रेजी लिखेंगे। अगर यहाँ पे बाद दिया हो तो यहाँ पे बाद की अंग्रेजी लिख देंगे, बिफोर हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा वाक्य जो बना, तुम्हारे आने से, तो तुम्हारे की अंग्रेजी यू, आने से पहले, आना की अंग्रेजी कम होती है बच्चों। आपको इस टेंस, इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बना के लिखना, तो क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से इस वाक्य की रचना होगी। समझ में आई नहीं आई? दूसरा वाक्य एक और मैं आपको बता रहा हूं, उस वाक्य के आधार पर आप समझना, देखना विद्यार्थियों किस प्रकार से इस वाक्य की रचना होती है। अगर ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा और आप वाक्य को अच्छी तरह से बना लोगे। देखना, सीमा के आने से पहले, सीमा के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, ये बात है। सीमा के आने से पहले मैं खाना खा चुका था, वाक्य में पहले भी दिया। अब देखो बच्चों, इसमें काम पहले कौन सा पूरा हो रहा है? खाना खाने का काम पहले पूरा हो रहा है। आप सीमा बाद में आई, खाना पहले ही खा लिया, इसलिए काम कौन सा पूरा पहले हुआ उस वाक्य को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट, मैं खाना खा चुका था, तो क्या हो जाएगा बच्चों? आई हैड, खाना की अंग्रेजी ईटन, फूड बिफोर। उसके बाद सीमा के आने से, सीमा के, ये वाक्य की रचना हो गई। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को बनाएंगे। ये पांच वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, इन पांच वाक्यों की रचना आप करना, ये आपका होमवर्क है।
लिखो बच्चों, पहला वाक्य लिखना, डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। दूसरा वाक्य लिखो, सीमा के आने से पहले, सीमा के आने से पहले, सीमा के आने से पहले तुम जा चुके थे, तुम जा चुके थे। सीमा के आने से पहले तुम जा चुके थे। तीसरा, किसान के आने से पहले, किसान के आने से पहले, किसान के आने से पहले पक्षी उड़ चुके थे। पक्षी उड़ चुके थे। उसके बाद वो अपना पाठ तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले मैं अपना पाठ, याद कर चुका था। मैं अपना पाठ याद कर चुका था। अगला, तुम्हारे आने से पहले, नंबर लास्ट, तुम्हारे आने से पहले मैं सब्जी काट चुका था, प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें दो उपवाक्य दिए हों, उन वाक्यों की रचना किस प्रकार से करते हैं मैंने आपको बताया, और शायद आप समझ भी गए होंगे। देखना बच्चों, जैसे इसमें वाक्य पहला दिया कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो सब काम कौन सा पहले हुआ, इस वाक्य पूरे वाक्य को पढ़ना और वाक्य को समझना कि इसमें काम दो हो रहे हैं, एक व्यक्ति आ रहा है, रोगी मर चुका, दो काम हुए। काम कौन सा पहले पूरा होगा, रोगी मर गया, डॉक्टर बाद में पहुंचा। दूसरा है, सीमा के आने से पहले तुम जा चुके थे, सीमा आ नहीं पाए, तुम चले गए, तो काम पहले कौन सा पूरा हुआ, तुम चले गए। किसान के आने से पहले पक्षी उड़ चुके थे, इसमें काम कौन सा पहले हो रहा, पक्षी उड़ चुके थे, तो इसलिए इसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग, जो काम पहले हो रहा हो उसमें पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करना, जो काम बाद में हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हुए आपको वाक्य की रचना करनी है। तो इस प्रकार से बच्चों, हम
आपसे अभी 3 दिन और रहेंगे, इसके लिए 2 या 3 दिन के अंदर ये टेस्ट समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद हम आपकी टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे, इसलिए मैं आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझा रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में पढ़ते समय आपसे यदि पूछा जाए वाक्य को पढ़ने के बाद ये वाक्य किस टेंस का है, तो अंग्रेजी में पहचान करके आप उस वाक्य को बता सकते हैं, क्योंकि आपके आने वाले समय में जो परीक्षाएं होंगी उसमें जो ग्रामर भी होगी वो वाक्य आपके अंग्रेजी में ही दिए होंगे, इसलिए अंग्रेजी में वाक्य की पहचान करनी आपको जरूरी है। मैं हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि ये आपको कंपोजिशन में बहुत उपयोगी होंगे, इसलिए मैंने आपको हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य की रचना करना सिखाया। और आपकी 10वीं कक्षा के लिए ग्रामर में अंग्रेजी में वाक्य पहचानने की जरूरत होगी। अंग्रेजी में यदि आप वाक्य पहचान लोगे तो ग्रामर में आपका किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा, यदि आपको अंग्रेजी में पहचान है तो आप उस वाक्य की रचना आसानी से कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये होमवर्क के रूप में आपको काम दिया, इन वाक्यों को अच्छी तरह से समझ के आपको वाक्यों की रचना करनी। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आपके ये वाक्य समझ में आए होंगे और आप इन वाक्यों की रचना करोगे।